यात्रा के बाद कांग्रेस की राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में 6200 किलोमीटर की सफर तय करेंगी, जो कि 122 दिनों में 52 जिलों के 142 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेंगी। कांग्रेस लगातार सड़कों पर दिखाई देने लगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद यात्रा में कमलनाथ की एंट्री हो गई। राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा मध्य प्रदेश की 6200 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ी है। यह यात्रा कमलनाथ के 15 महीनों की सरकार के कामकाज के लेखा जोखा निकालने के लिए निकाली जा रही है। राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा के रूप में प्रदेश में निकाली जा रही है। हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महामंत्री पवन कुमार पटेल से बात की, जो इस यात्रा को लेकर प्रदेश नापने निकले पड़े हैं। कमलनाथ सरकार की 15 महीनों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के धर्म, जात, मातृभाषा, खान पान के आधार पर बंटवारे की राजनीति, जितने भी वादे थे सब के सब अधूरे, एक भी वादे नहीं निभाए भाजपा सरकार ने, ऐसा कहना था संदेश यात्रा निकालने वालों का। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। महामंत्री पवन पटेल जी हैं, पूरे प्रदेश के प्रभारी, जिले के प्रभारी रमेश पटेल जी हैं, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता। ये आपसे आज यहाँ यात्रा के बारे में अपनी जानकारी देंगे। मैं राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर के आया हूँ आपके बीच में। यात्रा को 19 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने भोपाल से झंडी दिखा करके रवाना किया था। यात्रा इस प्रदेश में करीब 6200 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें हमारी 1464 किलोमीटर करीब की पदयात्रा रहेगी। हमारी यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो हमारे नेता आम जनता को संदेश देना चाहते थे, जो प्यार का पैगाम लेके इस जनता के बीच में गए और जिस तरह उनका समर्थन उनको मिला, उसी संदेश को हम आम जनता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी यात्रा का दूसरा उद्देश्य है आदरणीय कमलनाथ जी, जो 15 महीने से कम समय उनको काम करने को जो मिला, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जितने जनहित ऐसे निर्णय किए, जितने जनता के हित में निर्णय लिए, उन सब कामों को आम जनता तक पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बल्कि ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस देश का वासी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का भला हो, संविधान बचा रहे, हमारा नौजवान और किसान बचा रहे। जिस तरह पहले आपस में प्यार की भावना से जिस तरह से लोग रहते थे, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह का माहौल फिर से इस देश में कायम हो सके, ये इसलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये जो राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा आई है, निश्चित रूप से इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस ने जो कार्यक्रम और जो नीतियाँ बनाई हैं, जो काम किए हैं, उसको लोग स्वीकार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी जो वादे की थी कि वादा पूरा नहीं किया है, उससे लोग असंतुष्ट हैं। और इस बार कांग्रेस पार्टी जो है भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। ये अभी मतलब सिरमौर और सिमरिया कुछ क्षेत्र मंडमा का हो गया है, और अगले कल में बाकी जो विधानसभा बची है उसमें यात्रा जाएगा।